स्टूडेंट्स क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर चैप्टर सेवन थ्री थीव्स एंड द वाइस जज। देखिए बच्चों, इसकी ये थर्ड एक्टिविटी हम कंप्लीट कर चुके थे। फोर्थ एक्टिविटी आती है, सम इंसिडेंट्स ऑफ द स्टोरी आर गिवन बिलो बट दे आर नॉट इन ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग, री राइट देम इन ऑर्डर। तो ये देखिए कुछ घटनाएं दी हुई हैं जो क्रम से नहीं है, यानी कोई घटना पहले दे रखी है, कोई घटना बाद में दे रखी है, तो आपको उन घटनाओं को क्रम से लगाना है और फिर लिखना है। तो मैं आपको उनका क्रम बता देता हूं। देखिए कैसे, थ्री थीव्स स्टॉल अ पॉट ऑफ गॉड इन अ टाउन। जो थ्री थीव्स थे यानी तीन चोर थे, उन्होंने स्टॉल अ पॉट ऑफ गॉड इन ए टाउन, एक सोने का घड़ा उन्होंने चुराया था कस्बे से। तो ये पहले नंबर पे यही आएगी, तो हम इसमें वन नंबर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, देन दे सेट अंडर ए ट्री एंड टॉक्ड, सेकंड नंबर ये नहीं आएगा। ए वुमन सेलिंग कर्ड केम देयर, ये भी नहीं आएगा। दे कुक्ड देयर डिनर देमसेल्स, ये भी नहीं आएगा। दे स्टेड इन द हट ऑफ एन ओल्ड वुमन, तो यहां पर आएगा ये टू नंबर। फिर उसके बाद उन्होंने खुद का खाना पकाया, दे कुक देयर डिनर देमसेल्स, थ्री नंबर। फिर वो पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे, देन दे सेट अंडर ए ट्री एंड टॉक्ड, फोर। उसके बाद एक महिला दही बेचने वाली आई, ए वुमन सेलिंग कर्ड केम देयर, फाइव। इसके बाद क्या हुआ, वन थीफ वेंट टू द ओल्ड वुमन टू ब्रिंग ए पोट, द ओल्ड वुमन शाउटेड इफ शी शुड गिव इट, द लीडर अलाउड। तो ये जब जैसे ही वो दही बेचने आए, उसके बाद उनमें से एक चोर उससे घड़ा लेने गया, कौन सा घड़ा, दही के लिए लेने गया था, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था, वह उस सोने के घड़े को ले जाने चाह रहा था। तो ये सिक्स नंबर पे रहेगा। उसके बाद उस औरत ने अंदर से चिल्लाई कि ये घड़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो ये सेवन नंबर पे। द लीडर अलाउड, लीडर ने हाँ कह दिया था, ये एट नंबर पे। इसके बाद देखिए, द ओल्ड वुमेन अप्रोच द किंग, ये भी नहीं आएगा। द किंग सेंट अ मिनिस्टर, ये भी नहीं आएगा। द थीफ रैन अवे विद द पॉट, ये आएगा, ये नाइन नंबर पर। इसके बाद द लीडर अक्यूज द ओल्ड वुमेन फॉर केयरलेसनेस, ये टेन नंबर पर। जब वो चोर भाग गया तो उसके लीडर ने उस महिला पर, बूढ़ी औरत पर आरोप लगाया। इसके बाद द ओल्ड वुमेन अप्रोच द किंग, वह बूढ़ी औरत कहाँ गई, राजा के पास गई। तो राजा ने क्या किया, अपने मंत्री को भेजा, द किंग सेंट अ मिनिस्टर, ट्वेल्व। और द मिनिस्टर गेव जजमेंट इन फेवर ऑफ द ओल्ड वुमेन, ये थर्टीन। तो इस क्रम में आपको ये सारे सेंटेंस लगाने हैं। ये लास्ट का सेंटेंस थर्टीन नंबर पर आएगा। इस तरीके से आप सभी ये सेंटेंस लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस, सेफली डिसाइडेड कर्ड टेकन अबैक फॉरगिव। तो यहां पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। देखिए फर्स्ट है सेफली, तो सेफली में देखिए, वी कांट रीच देयर सेफली, तो यहां पर सेफली का यूज हुआ है। डिसाइडेड, दे डिसाइडेड टू स्टे इन ए लॉज, यहां डिसाइडेड वर्ड का यूज हुआ है। कर्ड, द लीडर वॉज फॉन्ड ऑफ कर्ड, यहां पर देखो कर्ड वर्ड का यूज हुआ है। टेकन अबैक, ही हर्ड द न्यूज ऑफ अर्थक्वेक एंड ही वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब स्तब्ध रह गया।
या एकदम से चौंक गए, वो चक्कर रह गया। जैसे ही उसने भूकंप की खबर सुनी वह बौचक्का रह गया या वह स्तब्ध रह गया। फॉरगिव, फॉरगिव यानी माफ करना। ही बैग द जज फॉर टू फॉरगिव हिज क्राइम, वह उस जज से अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। तो ये देखिए कुछ वर्ड्स जो हमने आपके एक्टिविटी में दिए हैं उनका यूज करके हमने सेंटेंस बनाए हैं, तो आपको भी ये सेंटेंस इसी तरीके से बनाने हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ स्पेलिंग्स हैं जो आपको दी हुई हैं, लेकिन उनमें से कुछ लेटर्स गायब हैं, तो वो लेटर्स आपको लिखने हैं। तो जैसे फर्स्ट है देखिए कंपेनियन, तो कंपेनियन में यहाँ क्या आएगा ओ, और यहाँ पर भी क्या आएगा ओ, कंपेनियन। नेक्स्ट देखिए एग्रीड, एग्रीड यानी सहमत हुआ, तो इसमें दोनों स्पेस में क्या आएगा डबल ई। नेक्स्ट देखिए बैग्ड, बी ई डबल जी ई डी बैग्ड। नेक्स्ट देखिए इनोसेंट, आई डबल एन ओ सी ई एन टी इनोसेंट, इनोसेंट यानी मासूम। नेक्स्ट देखिए सीक्रेट, एस ई सी आर ई टी सीक्रेट यानी राज। नेक्स्ट देखिए यू हैव रीड द एडजेक्टिव आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड, आप एडजेक्टिव को पढ़ चुके हैं जो किसी वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, राम इज अ टॉल बॉय, रमन इज टॉलर देन सुमन, रमन इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। तो यहाँ पर देखिए टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट ये सब क्या है, ये कंपैरिजन के वर्ड्स हैं, हम इनको डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी बोलते हैं। तो जो टॉल है यानी ये जो फर्स्ट वर्ड है ये पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है यानी इसको सबसे ऊपर बताया है। तो यहाँ पर देखिए इन द अबव सेंटेंस यू सी द कलर्ड वर्ड टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट आर द थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपने इन सेंटेंस में टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट देखा है, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। देर आर कॉल्ड पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या कहलाती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें हम देखेंगे यहां पर देखिए आपको एट्थ एक्टिविटी में दिया हुआ है, नाउ लर्न द फॉलोइंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिया हुआ है जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव यानी बिग, बड़ा, बिगर, दो की तुलना में हम बिगर का यूज करते हैं, और बिगेस्ट सबसे बड़ा, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट पुराना, कुछ पुराना और सबसे पुराना, यंग, यंगर, यंगेस्ट, यंग यानी जवान, यंगर थोड़ा जवान और यंगेस्ट सबसे जवान, रिच, रिचर और रिचेस्ट, रिच यानी अमीर, रिचर दो के कंपैरिजन में, दो के कंपैरिजन में, जैसे मैं कहूं कि मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज्यादा अमीर है तो रिचर, और यहाँ रिचेस्ट यानी सबसे अमीर। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैप्पी यानी खुश, हैप्पियर दो के कंपैरिजन में और हैप्पीएस्ट सबसे खुश। प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट, प्रेटी यानी अच्छा, सुंदर, प्रेटियर यानी दो के कंपैरिजन में और प्रेटीएस्ट यानी सबसे सुंदर। टॉल, लंबा, टॉलर दो के कंपैरिजन में लंबा और टॉलेस्ट सबसे लंबा। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड यानी अच्छा, बेटर यानी ठीक या दो के कंपैरिजन में अच्छा, और बेस्ट सबसे अच्छा। नेक्स्ट देखिए ये सभी डिग्रीज आपको लर्न करनी है, लर्न करनी है, ज्यादा से ज्यादा लर्न करनी है ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। नेक्स्ट देखिए गुरमीत एंड सुरजीत आर क्लासमेट, सुरजीत हैजंट बीन टू स्कूल टुडे। गुरमीत और सुरजीत आपस में सहपाठी हैं और सुरजीत आज स्कूल नहीं गया है। गुरमीत कॉल्स अप हिज सन होम
टू गिव हिम ए पीस ऑफ न्यूज। गुरमीत ने अपने घर से सुरजीत को फोन किया है कुछ खबर देने के लिए या कुछ न्यूज देने के लिए। सुरजीत इज नॉट एट होम, सुरजीत अपने घर पर नहीं है। हिज ब्रदर मनजीत पिक्स अप द फोन, गुरमीत ने जब फोन किया तो सुरजीत घर पर नहीं था, सुरजीत के भाई मनजीत ने उस फोन को उठाया। दिस इज द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन गुरमीत एंड मनजीत, गुरमीत और मनजीत के बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है। तो यहां पर देखिए गुरमीत कहता है हेलो मे आई स्पीक टू सुरजीत, क्या मैं सुरजीत से बात कर सकता हूं। मनजीत सॉरी सुरजीत इज नॉट एट होम, मे आई नो हु इज स्पीकिंग। सुरजीत का भाई मनजीत कहता है कि सुरजीत घर पर नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं कौन बोल रहा है। गुरमीत कहता है आई एम गुरमीत हिज क्लासमेट, मैं गुरमीत हूं उसका सहपाठी। मे आई नो वेन ही विल कम बैक या ही विल बी बैक, क्या मैं जान सकता हूं वह कब आएगा। मनजीत आफ्टर एन आवर और सो, एक घंटे बाद भी आ सकता है और ज्यादा भी। तो गुरमीत कहता है देन कुड यू गिव हिम ए मैसेज, क्या आप उसको एक संदेश देंगे। आवर क्लास इज गोइंग ऑन अ पिकनिक टुमारो, हमारी जो क्लास है वो कल पिकनिक पर जा रही है। सो ही नीड नॉट ब्रिंग हिज स्कूल बैग एज देयर विल बी नो क्लास, तो उसको स्कूल बैग लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल क्लास नहीं होंगी। मनजीत कहता है फाइन आई विल टेल हिम, ठीक है मैं उसको बता दूंगा। गुरमीत थैंक यू, गुरमीत कहता है धन्यवाद। नाउ राइट ए मैसेज फॉर सुरजीत इज नॉट मोर देन 35 वर्ड्स। तो गुरमीत ने जो भी मनजीत को कहा है, मनजीत गुरमीत का मैसेज सुरजीत को कैसे देगा, तो वो मैसेज हमें लिखना है। तो मैसेज देखिए हम किस प्रकार लिखेंगे, तो देखिए मैसेज किस तरीके से लिखेंगे। मैसेज के लिए सबसे पहले मैसेज वर्ड बोल्ड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मैसेज की डेट और टाइम अगर दिया हुआ है तो आप लिखेंगे, और किसके लिए मैसेज लिख रहे हैं उसका नाम यहां पर लिखेंगे डियर सुरजीत। किसका मैसेज है उसको आप लिखेंगे गुरमीत योर क्लासमेट कॉल्ड टू से दैट, गुरमीत तुम्हारा सहपाठी है उसने ये कहने के लिए फोन किया कि योर क्लास इज गोइंग ऑन अ पिकनिक टुमारो, कि तुम्हारी क्लास जो है वो कल पिकनिक पर जा रही है। सो यू नीड नॉट कैरी योर स्कूल बैग एज देयर विल बी नो क्लास, इसलिए तुम्हें स्कूल का बैग ले जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी कोई क्लास नहीं होगी। और ये मैसेज कौन दे रहा है, मनजीत दे रहा है, तो वो अपना नाम लिखेगा। तो इस तरीके से हम इस मैसेज को कन्वे करेंगे। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आप इसकी अच्छे से लर्न कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लर्न कीजिए ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से मैसेज दिया जाता है, कैसे हम डिग्रीज का यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। थैंक यू।